रामायणातील अजरामर पदे तबल्यावरील तालमेठेका अप्रतिम पदलालित्य नृत्य कलाकारांनी रंगमंचावर जिवंत केलेले विविध प्रसंग सुंदर अभिनयानं रंगमंचावर रामायण सादर करणारे कलाकार अशा नृत्य नाट्य ताल आणि सूर यांनी भारलेल्या वातावरणात सत्रिय या आसामच्या प्राचीन नृत्यकलेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचं गीत रामायण कलाकारांनी रसिकांपुढे अक्षरशः जिवंत केलं. ज्येष्ठ तबलावादक किशोर कोरडे यांनी अप्रतिम तबलावादनानं बनारस घराण्याची परंपरा उलगडली तर सत्रिय नृत्यांगना डॉक्टर देविका बोर ठाकूर आसामच्या सत्रिय नृत्यशैलीचं बारकावे अगदी नजाकतीने उलगडले. इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स आणि भारतीय विद्यापीठ अभिमित विश्वविद्यालयाच्या स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सतर्फे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. देविका बोर ठाकूर यांच्यासह स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सचे विद्यार्थी यांनी सत्रिय नृत्यशैलीच्या माध्यमातून गीत रामायणातील विविध प्रसंग रसिकांसमोर सादर केले. इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशनच्या पुणे विभागाच्या प्रमुख राजकुमार मुकुल माडगुळकर, नृत्यगुरु सुचिता चापेकर, स्वाती दैटणकर, सुचित्रा दाते, डॉक्टर विवेक रणखांबे यावेळी उपस्थित होते. Shut up.
ठाकूर, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड आई एम सत्रिया आर्टिस्ट. हियर टुडे ICCR दे हैव ऑर्गेनाइज्ड होराइजन सीरीज, जो कि अलग अलग शास्त्रीय शैली को प्रस्तुत करने का मौका देते हैं ICCR. एंड टुडे इन कोलाबोरेशन विथ भारती विद्यापीठ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट. And we are really happy to present Satriya art form. This is a classical dance of India. And ये actually है असम जो राज्य है उत्तर पूर्व भारत के, वहाँ से ये शैली है. In the 15th century, गुरु श्रीमंत शंकर देव ही हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म. और ये मठ जो हम बोलते हैं सत्र मोनेस्ट्री में ये डेवलप्ड हुआ है ये आर्ट फॉर्म. और 2000 साल में इसको शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में माना गया है. लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं. तो आज अच्छी मौका है, हम मेरे साथ और जो मेरी छात्राएं हैं वो भी मेरे साथ प्रस्तुत करने वाले हैं. और आज के इस मौके पे हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं महाराष्ट्र के बहुत ही सुंदर सबके जनप्रिय गीत रामायण. और ये एक चैलेंजिंग भी है हम सबके लिए, क्योंकि ये इसका संगीत धारा जो है महाराष्ट्र के है और शैली है असम की. तो दोनों के एक जो एक्सचेंज है, जो कल्चरल एक्सचेंज हम बोलते हैं, एक दो संस्कृति जो मिलन बोल सकते हैं, तो ये आज हम करने जा रहे हैं. इसके संगीत और नृत्य के साथ साथ जो गीत रामायण है भगवान श्री राम के, उसके हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं. और उसके पहले मेरे सत्रिय के सोलो परफॉर्मेंस भी है, उसमें मैं सत्रिय जो डांस फॉर्म है वैष्णव नृत्य से, वैष्णव धर्म से आते हैं, तो कृष्ण और राम के प्रस्तुतिकरण होते हैं. तो पहले मैं शुरुआत करूंगी कृष्ण के लीलाओं के साथ, और उसके बाद हम लोग भगवान श्री राम के गीत रामायण महाराष्ट्र के वो सत्रिय स्टाइल में हम लोग प्रस्तुत करेंगे. भारती विद्यापीठ में ये पाठ्यक्रम मास्टर्स डिग्री में लास्ट ईयर शुरू किया गया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है. ये भारती विद्यापीठ पहली यूनिवर्सिटी है असम की बाहर जिस सत्रिय स्टाइल को मास्टर्स डिग्री में लाए हैं. और बाकी मेरे जो इंस्टीट्यूट है आदि स्कूल ऑफ डांस, वहाँ पे भी हम सिखाते हैं और वहाँ के बच्चियाँ भारती विद्यापीठ के डिप्लोमा एग्ज़ाम्स देते हैं सत्रिय शैली के. और क्योंकि हम पता ही है पूना एक सांस्कृतिक शहर है, सभी को शास्त्रीय शैली बहुत पसंद है और कथक भरतनाट्यम इत्यादि शैली के साथ साथ लोग सत्रिया को अपना रहे हैं. बहुत बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, जो हम भगवान का कृपा मानेंगे इनको कि एक बहुत ही सुंदर शैली को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए.